हाय, आई एम नूरफिशा सिद्दीकी। आज मैं आई हूँ बहुत ही यूनिक वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करने के लिए। वो है इटली का डिजिटल नोमाद वीज़ा। ओके, तो इटली डिजिटल नोमाद वीज़ा होता क्या है? डिजिटल नोमाद होते कौन है? बेसिकली डिजिटल नोमाद वो होते हैं जो कि एक तो रिमोटली वर्क कर रहे हो, मतलब या तो वो फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो या तो रिमोटली वर्क कर रहे हो। रिमोटली वर्क मतलब कि किसी कंपनी ने उसे वर्क फ्रॉम होम पे काम करने को फुल टाइम दिया हो और वो फुल टाइम रिमोटली काम कर रहा हो, या तो वो फ्रीलांसिंग कर रहा हो बहुत सारी कंपनी के साथ या एक कंपनी के साथ, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो। तो ये तीन कौन कहलाएंगे? डिजिटल नोमाद, ठीक है, जो कि इनकम अर्न करते हैं, कहीं पे भी घूमते फिरते इनकम अर्न कर सकते हैं, राइट। अब इटली का डिजिटल नोमाद वीज़ा क्या कहता है कि कौन एलिजिबल है इसके लिए? इसके लिए एलिजिबल वो लोग हैं जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो यूरोपियन कंट्रीज से नहीं होने चाहिए, सबसे पहला तो ये। दूसरा, उनका इनकम सोर्स कहीं बाहर का होना चाहिए। तीसरा, जो उनका इनकम होगा वो 28,000 यूरो एटलीस्ट एनुअली होना चाहिए। 28,000 यूरो मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख इन इंडियन रुपीज़। मतलब कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई स्किल वाली जॉब होगी तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो या तो आईटी की जॉब हो या डॉक्टर की हो, हेल्थ केयर हो, कोई ऐसा ही प्रोफेशन हो सकता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो और तीसरा आपका ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। एंड सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं था, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सो अगर इन सब चीज़ों में आप कॉल करते हो तो ही आप इटली का डिजिटल नोमाद वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट मी, उसके बाद आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू ऑन दैट कमेंट। तब अभी के लिए टेक केयर।